Hello friends, welcome back again to my channel, and today we are going to discuss about adjustment and deductions from the bonus paper. The bonus which is given to the employees, it can be adjusted by the employers. It can be adjusted and also it can be deducted. मतलब उसको घटा के भी दिया जा सकता है और adjust करके भी दिया जा सकता है. तो कभी कभी जो उस पूरे साल का जिस पर्टिकुलर ईयर के लिए हम लोग उसको बोनस देने वाले हैं, उसमें से हम लोग उसका जो बोनस अमाउंट बन रहा है उस पूरे साल का, उसमें से हम लोग कुछ अमाउंट को डिडक्ट कर देते हैं. जो एम्प्लॉयर होता है वो डिडक्ट करके उसको देता है. तो ऐसा क्यों करता है, चलिए आइए उसको हम लोग जानते हैं. और ये जो डिडक्शन और एडजस्टमेंट वाला जो बात है बोनस से, उसका बोनस पेबल में से जो एडजस्टमेंट और डिडक्शन वाला बात है, ये सेक्शन 17 और सेक्शन 18 में दिया गया है. आपको ये चीज़ याद रखना होगा. अगर आपको सेक्शंस याद रहते हैं एग्ज़ाम के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी आपके लिए, और एग्जामिनर देखकर खुश भी हो जाएगा, आपको नंबर भी मिल जाएगा. चलिए आगे देखते हैं कि क्या है. अमाउंट ऑफ बोनस पेबल फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दैट अकाउंटिंग ईयर. उस साल के लिए, उस अकाउंटिंग ईयर के लिए जो बोनस बन रहा है, बोनस पेबल बन रहा है, अमाउंट ऑफ बोनस पेबल उस एम्प्लॉय को देने, उस एम्प्लॉय का जो बोनस बन रहा है जो कि एम्प्लॉयर उसको देगा, उसमें से पूजा बोनस या फिर कोई अदर कस्टमरी बोनस. पूजा बोनस मतलब आप जैसे कि आप जानते होंगे दुर्गा पूजा वगैरह में बोनस दिया जाता है, तो वो बोनस या फिर अदर कोई कस्टमरी बोनस है. कस्टमरी बोनस कहने का मतलब होता है कोई ऐसा कस्टमरी सिस्टम चल रहा है वहाँ पे, उस एरिया में, उस लोकेलिटी में, जिसमें कि सारा एम्प्लॉयर्स लोग वहाँ पे उसके लिए बोनस देता हो, तो उसको कस्टमरी बोनस बोलते हैं. हर आप जानते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग डेमोग्राफिक कंडीशंस है हर एक जगह पे. तो अलग अलग डेमोग्राफी के जो लोग हैं वो अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं, अलग अलग चीज़ होता है यहाँ पे. तो कभी दुर्गा पूजा बोनस मिलता है, कभी कहीं कुछ और बोनस मिलता है, तो वो सब कस्टमरी बोनस के अंदर आ जाता है. और लेस आपको दिखा रहा होगा सेकंड पॉइंट में जो लिखा हुआ है, पेड ऑफ बोनस बिफोर द डेट ऑफ बोनस. मतलब जो एक्चुअल पेमेंट करने का डेट था, बोनस का पेमेंट करने का डेट था, उसके पहले भी अगर आप कुछ बोनस दे चुके हैं, तो उसमें से जो पूरा का पूरा साल का बोनस बन रहा है, उसमें से आप उस बोनस को भी डिडक्ट कर सकते हैं जो आप पहले दे चुके हैं. ये जो पूजा बोनस और पेड ऑफ बोनस बिफोर द डेट ऑफ बोनस वाली जो बात है, ये सेक्शन 17 में दी गई है. और कभी कभी एम्प्लॉयज़ काम करते करते कुछ ऐसा हो जाता है कि दे आर फाउंड गिल्टी ऑफ एनी मिसकंडक्ट और काउजिंग एनी लॉस टू द एम्प्लॉयर. कुछ ऐसा मिसकंडक्ट हो जाता है उससे, या फिर जिससे कि लॉस कॉज होता है एम्प्लॉयर को, तो फिर वैसा वो जो लॉस एक्चुअल में एम्प्लॉयर को कॉज हुआ, उस अमाउंट को भी डिडक्ट कर सकता है एम्प्लॉयर फ्रॉम द बोनस पेबल फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर टू द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय का जो बोनस बन रहा है उस पर्टिकुलर साल के लिए, उसमें से उस अमाउंट को भी डिडक्ट कर सकता है एम्प्लॉयर जो अमाउंट का लॉस उसको कॉज हुआ हो. किस वजह से कॉज हुआ है, एम्प्लॉय का जो मिसकंडक्ट है उसके वजह से उसको लॉस हुआ. और ये जो बात दी गई है ये सेक्शन 18 में दी गई है. तो सेक्शन 17, 18 याद रखिएगा, ये भाई भाई सेक्शन से, ये लोग दोनों एक दूसरे का भाई है, और दोनों भाई एक ही चीज़ का बात करता है कि बोनस के में से कैसे एम्प्लॉय का पैसा काटा जाए. तो एम्प्लॉय का पैसा तभी कटेगा बोनस में से जब पूजा बोनस या फिर अदर कस्टमरी बोनस या फिर बोनस उसको पहले मिल चुका हो उस साल के लिए. और अगर कोई उसका मिसकंडक्ट किया हो एम्प्लॉय और उस मिसकंडक्ट के वजह से कुछ लॉस हुआ हो एम्प्लॉयर का, तो वो लॉस भी उसे रिकवर कर सकता है बोनस का पैसा काट कर. चलिए थैंक यू. और इस अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ और टॉपिक. एक है जबकि अलग अलग यूनिट्स वाला जो टॉपिक सेक्शन 3 में दिया गया है कि ब्रांचेज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट को सिंगल एस्टेब्लिशमेंट माना जाता है, उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन करने वाले हैं जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए तो अब हम लोग पहुँच गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में. तो इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि एक मैप बना हुआ है. ये मैप जो बना हुआ है ये पूरा एक एरिया है समझ लो आप, और इसमें एक अंडरटेकिंग, कुछ कुछ अंडरटेकिंग्स वगैरह के लिए वो ऐसा फिगर बनाया हुआ है. ऊपर में ब्रांचेस भी हैं और डिपार्टमेंट्स भी हैं. ब्रांचेस भी आपको दिख रहा होगा, बिल्डिंग बना के रखा है मैंने, और डिपार्टमेंट्स भी हैं कुछ.
तो आइए देखते हैं कि आखिरकार ये जो सेक्शन 3 है ये कहता क्या है। तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, वेयर एन एस्टेब्लिशमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, आप देख रहे होंगे डिपार्टमेंट्स मैंने बना के रखा हुआ है, एक अंडरटेकिंग, एक एस्टेब्लिशमेंट की बात की जा रही है जो कि कंसिस्ट करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एक अंडरटेकिंग का, एक सॉरी एक एस्टेब्लिशमेंट का बहुत सारा डिपार्टमेंट्स है और अंडरटेकिंग्स, या फिर बहुत सारा अंडरटेकिंग्स है और हैज़ ब्रांचेज, और या फिर उसका बहुत सारा ब्रांचेज वगैरह है, वेदर सिचुएटेड एट द सेम प्लेस और इन डिफरेंट प्लेसेस, भले ही वो सेम प्लेस में सिचुएट कर रहा हो, मतलब एक ही जगह मौजूद हो, एक ही शहर में मौजूद हो, एक ही स्टेट में मौजूद हो या फिर किसी और जगह पे मौजूद हो, ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑल सच डिपार्टमेंट्स और अंडरटेकिंग्स ऑफ ब्रांचेस शैल बी ट्रीटेड एज पार्ट्स ऑफ द सेम एस्टेब्लिशमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ बोनस अंडर द एक्ट। मतलब इस एक्ट के तहत ऑल सच डिपार्टमेंट्स अंडरटेकिंग एंड ब्रांचेस, सारे डिपार्टमेंट्स अंडरटेकिंग और ब्रांचेस को जो कि एक ही एस्टेब्लिशमेंट का अलग अलग है, उसको शैल बी ट्रीटेड एज पार्ट्स ऑफ द सेम एस्टेब्लिशमेंट, उसको एक ही एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट माना जाएगा बोनस का कंप्यूटेशन के अंदर इस एक्ट के तहत। हाउएवर प्रोविजो टू सेक्शन 3 स्टेट्स दैट वेयर फॉर एनी अकाउंटिंग ईयर अ सेपरेट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिपार्टमेंट और अंडरटेकिंग और ब्रांच। कहने का मतलब प्रोविजो, एक प्रोविजो है इसका, प्रोविजो टू सेक्शन 3, वो कहता है कि अगर सेपरेट बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन हो रहा है उस अंडरटेकिंग या फिर ब्रांच या फिर डिपार्टमेंट के लिए, तो फिर क्या, देन सच डिपार्टमेंट और अंडरटेकिंग और ब्रांच शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट, तो फिर अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा। देखो डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग और ब्रांच, ये तीनों, ये सब के लिए अलग अलग है। मान लो एक एस्टेब्लिशमेंट का बहुत सारा ब्रांचेस है और हर एक ब्रांचेस के लिए अलग अलग पी एंड एल बैलेंस शीट बन रहा है, तो फिर उसको सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा बोनस एक्ट के तहत। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्ट वेयर सच डिपार्टमेंट और अंडरटेकिंग और ब्रांच वॉज इमिडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दैट अकाउंटिंग ईयर ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ बोनस। एक्सेप्ट इस प्रोविजन टू सेक्शन 3 के लिए एक एक्सेप्शन दिया गया है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो अंडरटेकिंग या फिर ब्रांच या फिर डिपार्टमेंट अलग अलग थे बट इमिडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ असेसमेंट ईयर, लेकिन उस असेसमेंट ईयर का कमेंसमेंट के इमिडिएटली बिफोर उसको पार्ट ऑफ द सेम एस्टेब्लिशमेंट माना जाता था, मतलब वो उसी एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट था, तो फिर उसको हम लोग अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट नहीं मानेंगे अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, भले ही उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अलग से बनाया जा रहा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रोविजो टू सेक्शन थ्री ये कहता है कि अगर ब्रांचेज डिपार्टमेंट्स अगर अलग अलग हैं और हर एक अलग अलग ब्रांच डिपार्टमेंट्स वगैरह का अलग अलग से सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाया जा रहा है, सेपरेट पी एंड एल और बैलेंस शीट अगर बनाया जा रहा है, तो फिर वो लोग को सेम एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट नहीं मानेंगे, भले ही उसी का ब्रांच हो, उसी एस्टेब्लिशमेंट का ब्रांच है, बट फिर भी उसका पार्ट नहीं मानेंगे बोनस एक्ट के तहत। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है कि भले ही प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट अलग से बनाया गया है, लेकिन फिर भी उसी का पार्ट मानेंगे अगर उसका पहले वाला साल में इमिडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दैट असेसमेंट ईयर वो पार्ट माना जाता था उस एस्टेब्लिशमेंट का। तो